न्यू लुक रणवीर कपूर ने पिछले कुछ सालों से कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो इस समय लाखों लोगों की पसंद बन चुके हैं। उन्हें आखिरी बार फिल्म एनिमल में देखा गया था और इस फिल्म में रणवीर कपूर के अलावा रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी देखने को मिले थे। और अब रणवीर कपूर जल्द ही फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में वो भगवान श्री राम का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं साई पल्लवी इस फिल्म में माता सीता की भूमिका निभाएंगी। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इस फिल्म की घोषणा के बाद से ही दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म 3 भागों में बनाई जाने वाली है, जिसके पहले भाग में भगवान राम का परिवार, उनकी शादी, 14 साल के वनवास और देवी सीता के अपहरण को दिखाया जाएगा। दूसरे भाग में हम भगवान राम और भगवान लक्ष्मण और भगवान हनुमान और वानर सेना से मिलते हुए दिखाई देंगे, उनके सामने आने वाली बाधा और राम सेतु पुल के निर्माण को देखेंगे। और तीसरे भाग में हमें वानर सेना और लंका सेना के बीच युद्ध देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही फिल्म में हमें रावण की हार भी देखने को मिलेगी और कैसे युद्ध के बाद भगवान राम और देवी सीता अयोध्या लौटते हैं। ये भी दोस्तों बताया जा रहा है कि फिल्म के कलाकारों में भगवान राम के रोल में रणवीर कपूर, देवी सीता के रूप में साई पल्लवी, रावण के रूप में यश, हनुमान के रूप में सनी देओल, केकई के रूप में लारा दत्ता और कुंभकर्ण के रूप में बॉबी देओल दिखाई देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में राजा दशरथ के रूप में दिखाया जाएगा। विजय सेतुपति को इस फिल्म में विभीषण के रूप में दिखाया जाएगा और इस फिल्म में रकुलप्रीत सिंह को सुप्रणखा के रूप में दिखाया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग बहुत ही शानदार ढंग से चल रही है। जो सेट बनाए गए हैं वो शायद ही किसी भारतीय फिल्म में अब तक बनाए गए हों। और साई पल्लवी और रणवीर कपूर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही शानदार है और इस फिल्म में ये दोनों काफी बारीकी से काम भी कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये फिल्म बहुत बड़े बजट की होने वाली है। फिल्म को 700 करोड़ रुपए के बजट में बनाया जा रहा है। साथ ही बात करें सनी देओल की, तो सनी देओल इस समय फिल्म लाहौर और 47 की शूटिंग में काफी ज्यादा व्यस्त हैं। साथ ही वो फिल्म सफर की शूटिंग भी कर रहे हैं और इसी के साथ फिल्म रामायण की शूटिंग में भी काफी ज्यादा व्यस्त हैं। वहीं इस फिल्म में बॉबी देओल का किरदार कुंभकर्ण का होने वाला है, लेकिन अभी तक उन्हें शूटिंग में नहीं बुलाया गया है। और बॉबी देओल भी इस समय अपनी फिल्म कंगवा को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और उनकी ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिलहाल दोस्तों आप फिल्म रामायण को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।